शिमला जिले के ननखड़ी क्षेत्र के तहत पनवेल गांव की मोनिका नेगी ने हाल ही में पुलिस फायर्स गेम्स इंडिया के लिए कनाडा में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इस उपलब्धि के लिए रामपुर भाजपा मंडल ने उन्हें सम्मानित किया है और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर हिम कोफेड के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता कौल सिंह नेगी ने कहा कि मोनिका देश की लाखों बेटियों सहित क्षेत्र के युवाओं के लिए रोल मॉडल भी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्तमान में युवा पीढ़ी नशे की ओर आकर्षित होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को मोनिका से प्रेरणा मिलेगी। मोनिका नेगी के जीवन को, उनके संघर्ष को मुझे लगता है कि आने वाले समय में युवाओं को पढ़ना चाहिए, ताकि खेल के प्रति युवाओं की जो रुचि है उस रुचि को आगे बढ़ाने में मोनिका नेगी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में हो सकता है। मैं पुनः मोनिका नेगी जी को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में एशियन गेम में, ओलंपिक में भी इस प्रकार से स्वर्ण पदक लेकर आए, इस प्रकार की कामना मैं करता हूं। इस दौरान मोनिका नेगी ने कहा कि बॉक्सिंग व अन्य खेलों में हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उचित मार्गदर्शन और सुविधाओं की बहुत ही आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग जैसे खेल की उचित सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उन्हें प्रदेश से बाहर जाना पड़ा और उचित अवसर मिलने से आज उन्हें विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। मोनिका ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और उसके बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का यदि मुझे मौका मिलेगा और मैं प्रदेश में यदि वापस आऊंगी तो इसके लिए मैं कहूंगी कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगी और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगला टारगेट मेरा अभी आने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जो नेक्स्ट ईयर होने वाली है और एशियन चैंपियनशिप है और 2028 ओलंपिक्स है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें पहले वॉलीबॉल और कबड्डी का काफी ज्यादा लोगों में रुचि रही है और रिजल्ट्स भी आते रहे हैं, परंतु अभी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भी हमारा प्रदेश आगे आ रहा है और बॉक्सिंग जैसे खेल को अपना रहा है और इसमें मेडल्स जीत रहा है। इस मौके पर मोनिका ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की और उन्होंने कहा कि युवा सही मार्गदर्शन न मिलने के चलते गलत संगत से अपने अमूल्य जीवन को नशे के गर्त में धकेल रहे हैं और ऐसे युवाओं को समय रहते सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ही आवश्यक है।